दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बेहद ही सुंदर और विकसित देश न्यूजीलैंड के बारे में, जो दक्षिण प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 1800 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये दो बड़े द्वीप और अन्य कई छोटे द्वीपों से मिलकर बना एक देश है। इस देश की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने 1769 ईस्वी में की थी, लेकिन इस देश को पहली बार अब्दुल तस्मान ने 13 दिसंबर 1642 ईस्वी को देखा था। एक समय यह देश यूनाइटेड किंगडम के अधीन था, जिससे उसे आज़ादी 7 मई 1856 ईस्वी को मिली थी और 26 सितंबर 1907 ईस्वी में यह देश एक अधिराज्य बना और इसके बाद 25 सितंबर 1947 ईस्वी में न्यूजीलैंड ने वेस्टमिंस्टर का संविधान अपना लिया, जो एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है जो सैकड़ों वर्षों के काल में यूनाइटेड किंगडम में विकसित हुई थी। आज न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे सुंदर और स्वच्छ देशों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। यहाँ के लोग प्रकृति के बहुत प्रेमी होते हैं। ये वही सामान खरीदते हैं जिसे वातावरण कम से कम प्रदूषित हो सके। न्यूजीलैंड की यही बात इसे दूसरे देशों से अलग बनाती है। इसके अलावा घूमने फिरने के लिहाज से भी न्यूजीलैंड एक सुरक्षित देश माना जाता है, जो विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ की कल्चर, यहाँ की लाइफस्टाइल पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है। बिना डर भय आप देर रात तक यहाँ घूम सकते हैं। आबादी की तुलना में यहाँ का क्राइम रेट 1.09% है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिस्ट पर आधारित है, जो इसे एक समृद्ध और विकसित देश बनाती है। न्यूजीलैंड का कुल क्षेत्रफल 268,021 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की कुल आबादी 49 लाख से ज्यादा है। यहाँ की साक्षरता दर 99% है और बेरोजगारी दर पूरी आबादी का 4.5% है। देश की करेंसी को न्यूजीलैंड डॉलर कहा जाता है, जहां एक न्यूजीलैंड डॉलर इंडिया में तकरीबन 50 रुपए के बराबर है। न्यूजीलैंड के नागरिक को न्यूजीलैंडर या कीवी कहा जाता है। वैसे आपको बता दूं, कीवी एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकती और ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी है, जो यहाँ का सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है। न्यूजीलैंड का आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और माओरी है, लेकिन यहाँ 80% लोग अंग्रेजी में ही बात करते हैं। न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत कुक पर्वत है, जिसे न्यूजीलैंड की माओरी भाषा में आओकारी पर्वत भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 3,724 मीटर है। न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी वाइकाटो नदी है, जो तकरीबन 425 किलोमीटर लंबी है। और इसके अलावा न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील ताऊपो झील है, जो तकरीबन 616 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। न्यूजीलैंड विश्व का वो पहला देश है जहां 1893 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। न्यूजीलैंड की जॉर्जिना बेयर विश्व की पहली ऐसी किन्नर महिला थी जो न्यूजीलैंड के संसद की सदस्य बनी। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, जो समुद्र के किनारे बसा एक बेहद ही खूबसूरत शहर है। यहाँ एक अलग ही तरह की प्राकृतिक सुंदरता है, क्योंकि यहाँ सूरज 8 बजे से पहले नहीं ढलता है। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है, जो सिटी ऑफ सेल्स के नाम से भी मशहूर है। आपको बता दूं, न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत इसी शहर में स्थित है, जो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वतों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 2,797 मीटर है। न्यूजीलैंड में डॉल्फिन की 9 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, जो दुनिया की सबसे छोटी और दुर्लभ प्रजाति है। न्यूजीलैंड के जंगल में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की कई सारी प्रजातियां पाई जाती है, जो तकरीबन 200 सालों तक जीवित रहती है। आज जहां लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, वहीं न्यूजीलैंड ने अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर पहली बार 5G कनेक्टेड ड्राइवरलेस कार लॉन्च किया है, जिसे एक टैबलेट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड देश के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आपको इस देश के बारे में कौन सी बात अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।